पर मैं साहिल नेम के बंदे की जो चैट है जहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो देखो जो मैं जहाँ पर चैट डिलीट करी थी जहाँ पर रिकवर भी हो चुकी है इसको। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं टेक्नो प्रो राजपूत चैनल को। अगर आप एक जी व्हाट्सअप यूज़र हो और आपके भी जी व्हाट्सअप मैसेज डिलीट हो चुके हैं, 10 साल पुराने आपके मैसेज हो, 5 साल हो, 1 साल हो, 2 साल हो, या 1 महीना या 1 दिन पुराने आपके मैसेज हो जो डिलीट हो चुकी हैं, या आपने खुद उसको डिलीट कर दिया है बट आपको ये नहीं पता कि आपको अपने मैसेज को वापस कैसे लेकर आना है, कैसे रिकवर करना है, तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको अपने जी व्हाट्सअप के मैसेज को कैसे रिकवर करना है जो आपने डिलीट कर दिए या खुद डिलीट हो चुके हैं। तो जो भी आज मैं करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने फ़ोन के अंदर आपको मैं करके बताऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको डिलीटेड मैसेज रिकवर कैसे करनी है। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, आपको पूरे स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में वीडियो देख रहे हो, स्टेप को मिस कर रहे हो, फिर आप पीछे आ रहे हो वीडियो को देख रहे हो बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, पूरे स्टेप को आपको फॉलो करना है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपका जो डिलीटेड मैसेज है वो रिकवर हो पाएंगे। तो जहाँ पर देखो मैंने अपना जो जी व्हाट्सएप है जहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो जहाँ पर मैं एक चैट को जहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो जहाँ पर देखो मीडिया भी है, जहाँ पर मैसेज भी है, ठीक है, ऊपर ही मैसेज रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, ठीक है। तो जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मैं साहिल नेम के बंदे की जो चैट है जहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो देखो जहाँ पर मैं चैट डिलीट कर दिया है। अब बात करते हैं इसको रिकवर कैसे करना है, इसको वापस कैसे लेकर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है, देन आपको यहाँ अपने फ़ोन के ऐप्स के अंदर जहाँ आपके फ़ोन के ऐप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है GB व्हाट्सएप। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ GB व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद आपको स्टोरेज को ओपन करना है, देन आपको यहाँ पर क्लियर कैच ही करना है, क्लियर डाटा बिल्कुल मत करना। अगर आप क्लियर डाटा करोगे तो आपका बैकअप खत्म हो जाएगा, आपके मैसेज वापस नहीं आएंगे, सिर्फ क्लियर कैच ही करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है, देन आपको जाना अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नेम आपको रखना है डिलीटेड रिकवरी, ठीक है, जहाँ पर लिखता हूँ डिलीटेड रिकवरी, ठीक है, जहाँ पर मैंने फोल्डर बना दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड्रॉइड का फोल्डर ओपन करना है, उसके बाद मीडिया का ओपन करना है, देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फोल्डर com.gwhatsapp का, इसको सिलेक्ट करना है, देन जहाँ से आपको करना है कॉपी। उसके बाद जाना को अपने जो न्यू फोल्डर आपने बनाया है डिलीटेड रिकवरी के अंदर, वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डिलीटेड रिकवरी के अंदर। यहाँ पर देखो जो मैं डेटा है जहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर न्यू वर्जन वाला जी वर्सअप को इंस्टॉल करना, अपने फ़ोन के अंदर लेटेस्ट वर्जन वाला ही करना है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी काफ़ी सारी वीडियो, आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो मेरे चैनल के ऊपर भी देख सकते हो, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको न्यू वर्जन वाला जी वर्सअप को आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के अंदर। तो जो ओल्ड वर्जन वाला जी वर्सअप है वो आपको यहाँ से डिलीट करना है, तो यहाँ से मैं ओल्ड वाले को डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपनी फ़ोन की स्टोरेज को ओपन करना है, देन आपको ओपन करना है जो आपने न्यू फोल्डर बनाया था जिसका नेम था डिलीट रिकवरी, ठीक है, इसको ओपन करना है, देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है com.gwhatsapp को, इसको जहाँ से करना है कॉपी। उसके बाद जाना को अपने एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर, उसके बाद मीडिया, और जहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है मीडिया के अंदर, ठीक है, तो आपको मीडिया के अंदर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो मैं com.gwhatsapp का फोल्डर जहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है मीडिया के अंदर, उसके बाद आपको न्यू वर्जन वाला जी व्हाट्सएप है वो अब इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जो मैं न्यू वर्जन वाला जी व्हाट्सएप है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, आपको हमेशा न्यू वर्जन वाला ही इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको जी व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन नहीं करना अभी, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल अभी आपको ओपन नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट या पावर ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको भी यही काम करना है। तो जहाँ से करती हैं रीस्टार्ट, तो यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको रखती हैं जहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी हो चुका है, यहाँ पर मेरा फ़ोन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो फ़ोन को ओपन करने के बाद, रिस्टार्ट करने के बाद आपको कम से कम 10 सेकंड तक इसकी वेट करनी है ताकि आपका जो फ़ोन एक बार पूरा रिफ्रेश हो जाए। तो हम 10 सेकंड तक इसकी वेट करते हैं। तो टाइम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।
अब आपको अपने फ़ोन के अंदर जी व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो जहाँ पर मैं जी व्हाट्सएप को जहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, तो कहाँ गया मेरा जी व्हाट्सएप, ठीक है, जहाँ से इसको करते हैं ओपन। उसके बाद आपको जहाँ पर करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, नोट नाउ बिल्कुल मत करना। उसके बाद अलो, देन आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री या कंटिन्यू करना है, देन अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू वेरीफाई अनदर वे, आपको वेरीफाई अनदर वे के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सेंड एसएमएस या कॉल भी आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अलो के ऊपर क्लिक करते हैं, देन फोन के ऊपर ओटीपी आएगा जो आपको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर अलो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैकअप, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा बैकअप आपको देखने को मिल चुका है, जो मैं डिलीटेड मैसेज, ठीक है जहाँ पर मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारे मैसेज जो मैं डिलीटेड है वो अब रिकवर हो जाएंगे न्यू वर्जन के अंदर। तो यहाँ पर 41% और 100% पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 26,000 कुछ मैसेज यहाँ पर रिस्टोर हो चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर नेम एंटर हो चुका है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं जी व्हाट्सएप है जहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो मैं जहाँ पर चैट डिलीट करी थी जहाँ पर रिकवर भी हो चुकी है। इसको मैं जहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके बिल्कुल सामने मीडिया एंड जो मेरा मैसेज है और जहाँ पर जो मेरी ऑडियो है सब कुछ यहाँ पर रिकवर हो चुका है। मैंने सारे वाले बंदे को जहाँ पर डिलीट करा था, चैट डिलीट करी थी, बट जहाँ पर सब कुछ रिकवर हो चुका है। तो वो सिंपल ट्रिक थी जो आपको मैंने बताया कि आपको मैं जी व्हाट्सएप जो मैसेज है जो काफ़ी सारे पुराने हो जाए, जब भी आपके पुराने और डिजिटल हो गए हैं उसको रिकवर कैसे करना है। तो जैसा मैंने इस वीडियो के अंदर करा आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, डिजिटल मैसेज अब रिकवर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ परेशानी आती है नीचे कमेंट बॉक्स है, आपको कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टा के ऊपर DM भी कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज उतना ही, मिलता है कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।